बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन और एक्टर वरुण धवन की फिल्म भेड़िया पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर चुकी है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि काफी समय बाद वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया है। फिल्म के पहले दिन के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो खबरों के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की। दिन बीतने के साथ ही फिल्म ने लोगों को अपनी ओर खींच लिया, जहां भेड़िया फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म कॉमेडी ड्रामा है जो सबसे ज्यादा बच्चों को टारगेट करती है। लोगों को उम्मीद है कि भेड़िया शनिवार को 50% तक कलेक्शन में जमकर कर सकती है। वहीं अगले हफ्ते कुछ और फिल्में रिलीज होगी जिसमें शायद ऐसी कमाई में गिरावट आ जाए। दोस्तों, वरुण धवन की आखिरी फिल्म जुग जुग जियो थी, जिसमें इन्होंने अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और नीतू कपूर जैसे कलाकारों के साथ रोल निभाए। फिल्म ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था, जहां फिल्म के निर्माता करण जौहर का कहना था कि इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है। भेड़िया फिल्म की बात करें तो फिल्म हिंदी के साथ ही तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज हुई, जिनमें तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन की टोटल कमाई है। एक्टर के वर्क फ्रंट के बारे में बात करें तो वरुण धवन ने हाल ही में जाह्नवी कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग पूरी की है। फिलहाल अभी तक फिल्म का टाइटल रिवील नहीं हुआ। वेल, तो दोस्तों, आपको वरुण धवन की भेड़िया फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।